अब हम लोग को आगे बढ़ना है। एनिक बॉन्ड तक सब पढ़ के आया? ठीक, यस, ओके, वेरी गुड। चलो कोवेलेंट बॉन्ड करें, इसमें थ्योरी तो बहुत बेकार दिया है, खत्म हो गया, कुछ थ्योरी है नहीं। ठीक है छोड़ो, कोवेलेंट बॉन्ड, एक सेकंड रुक जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना टाइप का होता है? दो, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। ठीक है, और नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पोलर तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में पूरा टॉपिक हम लोग सबसे पहले नॉन पोलर समझेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नॉन पोलर अच्छे से समझो। देखो समझना, देखो तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये होगा शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो जो बता रहे, देखो ये कभी मेटल और मेटल के बीच में नहीं बन सकता, क्योंकि मेटल का आउटर मोस्ट में तीन होता है, तो दो मेटल अगर कंबाइन भी कर लिया, मानो इसका आउटर मोस्ट में तीन है, इसका आउटर मोस्ट में तीन है, कंबाइन होकर भी छह ही रहेगा, आठ हो ही नहीं पाएगा, मेटल मेटल के बीच बनेगा नहीं। नॉन मेटल के बीच में बन सकता है? हाँ बन सकता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में बन सकता है? बन सकता है। कार्बन के बीच में बन सकता है? नॉन मेटल नॉन मेटल बन सकता है, कार्बन मेटल, कार्बन कार्बन एक साथ नहीं बनना है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये समझ आया? मेटल मेटल के बीच में नहीं बनेगा, नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस। तुम सोचो क्यों? क्योंकि देखो इधर मेटल नॉन मेटल जो तुम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रुप वन ग्रुप टू का उठा लिए और यहां पे ग्रुप सेवन का उठा लिए, तब नहीं बनेगा। देखो जनरली इस साइड में ना हाइड्रोजन ही रहता है, हाइड्रोजन और मानो क्लोरीन को उठा लिए, तो ये लोग के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कितना है, बहुत कम है। हम लोग को आयोनिक बॉन्ड क्या था, एक्चुअल ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर नहीं करना, इसमें क्या होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। तो इधर का ही एलिमेंट मतलब जो नॉन मेटल साइड का एलिमेंट है ना, वही लोग जनरली ये सब बनाता है, तो वो समझ आ जाएगा जब बनाएंगे। तो देखो अब क्या करके बनाते हैं, देखना, जैसे H का पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक और H आया, ठीक है, तो क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखना O आया, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, देखो ये क्या बन गया, O डबल बॉन्ड O। अच्छा दोनों को सेम नहीं कर सकते क्या? तुम यहाँ पे बाकी एक सेकंड, बाकी का इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकता है जैसा जो है। देखो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक दो, बीच में कितना है, चार है ना, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और एक्स इसलिए दिखा रहे कि तुमको समझ आए इधर वाला का है, समझा, समझाने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि अलग है वो, समझे ना, यहाँ पे भी वही बना दो। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ आ गया आपको। ठीक है, और क्या बन सकता है बोलो, नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन, एक दो तीन, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट पे कितना रहता है, पांच रहता है, एक दो तीन नाइट्रोजन, एक दो, देखो क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दो अपना ऐसे ही क्रॉस बना दो, जो बना दो पड़ा रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है सेवन, तो कैसे लिखते हैं, टू कॉमा फाइव, ऑक्सीजन कितना होता है सिक्स, टू कॉमा सॉरी ऑक्सीजन एट होता है, टू कॉमा सिक्स, हाइड्रोजन तो हम लोग को पता ही है कितना होता है, वन, तो वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम? अब मेरा बात सुनना, ये तीनों कैसा है, अगर याद रखना नॉन पोलर, नॉन, अगर दोनों लेफ्ट में भी राइट में भी अगर दोनों नॉन मेटल सेम है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर,
नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। अब मेरा बात हम समझा रहे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, ये जितना पावर से खींच रहा है ये भी उतना ही पावर से खींच रहा है, तो ना ये इस साइड भाग पाएगा इलेक्ट्रॉन, ना इस साइड भाग पाएगा, एकदम कहां रहेगा, ये बीच में ही रहेगा। वैसे इन ओ का भी शक्ति, इस ओ का भी शक्ति सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बीच में ही रहेगा। नाइट्रोजन का में भी, तो ये सब कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर, मतलब कोई किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है कि बीच वाला इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इधर तीन बॉन्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन है इधर, छह, क्योंकि एक में एक दो, एक दो, एक दो, याद रहेगा नहीं रहेगा याद, ओके वेरी गुड। नॉन पोलर में कोई चार्ज का सेपरेशन आता है नहीं, नो चार्ज सेपरेशन। अब तुम एटॉम स्ट्रक्चर बना रहे, देखना इसको मिटा दे रहे है, हटा देना, अब देखना एक और बना लेते हैं, सीएल का कितना होता है, एक दो तीन चार पांच छ सात, ऐसे बना, एक और सीएल आया, एक दो तीन चार, ठीक है सात सात, देखो ऐसे और ऐसे, तो ये क्या बन गया, सीएल सीएल, जिसको सीएल टू बोलते हैं। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, ये जितना पावर से खींच रहा है बीच वाले को, ये भी उतना ही पावर से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे का पावर को क्या कर दे रहा है, ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो जहां था इलेक्ट्रॉन वहीं रह गया, समझ आया। तो नॉन पोलर होने का, नॉन पोलर होने का दो ही तरीका है, या तो सेम मेटल के बीच में बने, एक्स एक्स में बने, दूसरा अगर मानो डिफरेंट एटम्स में बन रहा है, क्या बोले, डिफरेंट एटम्स में बन रहा है, तो एक दूसरे का सब क्या कर देना चाहिए, पावर को खींचने का, अट्रैक्शन को क्या कर देना चाहिए, हम लिख दे रहे, एक दूसरे का अट्रैक्शन को नलीफाई कर देना चाहिए, मतलब क्या कर देना चाहिए, कैंसल, कैंसल आउट, ठीक है। या एक और लॉजिक लगा सकता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल, क्या होगा, सिमेट्रिकल। इतना ज्ञान दे दिए, क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम क्या लिखे, या तो सेम एटम होगा, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन को जितना दम से खींचेगा वो भी उतना ही दम से खींचेगा, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, ठीक है। जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी सेम है, ठीक है। अब या तो डिफरेंट एटम हो, मतलब एक्स और कोई वाई एटम हो, तब एक दूसरे का अट्रैक्शन को क्या कर देना चाहिए, कैंसिल आउट, या लॉजिक से, मतलब अगर की पॉइंट याद रखना, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। जैसे हम लोग बनाने जा रहे हैं CH4, CH4 बनाएंगे मजा आएगा, देखो सी एक दो तीन चार, एच आया एक, देखना वन 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 वन, ठीक है। देखो हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, हाइड्रोजन के पास दो 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 दो, आउटर मोस्ट पे कितना होना चाहिए, या तो दो या तो आठ, या तो दो मतलब डुप्लेट, या तो आठ मतलब ऑक्टेट, नहीं अठारह कहां से, आउटर मोस्ट में अठारह इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं आउटर मोस्ट में या तो दो स्टेबल होता है या तो आठ स्टेबल होता है, हाइड्रोजन चाचा का दो आ गया, हाइड्रोजन चाचा स्टेबल, कार्बन चाचा भी स्टेबल, तो क्या हो गया, देख लो CH4, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है डायरेक्ट। अब देखो मेरा बात सुनो, अब तू बोलेगा ये तो अलग अलग आइटम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का, कार्बन का, ये देख लेना डेटा में, हम मान ले रहे कार्बन का। तो देखो ये इस इतना पावर से खींचा, ये भी इधर से ऐसे खींचा ऐसे खींचा ऐसे खींचा, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। या तुम ऐसा सोच सकता है, देखो ये जो CH4 का स्ट्रक्चर है ये क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब हम इसको लपेट सकते हैं। देखो अगर हम यहां से काट देंगे तो इस साइड को क्या कर सकते हैं, फोल्ड, ये आईना जैसा बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा, मिरर, क्या है ये, मिरर, आईना है, तो सिमेट्रिकल है, तो बस वही बोले ना, स्ट्रक्चर क्या हो, सिमेट्रिकल, तब भी क्या बन जाएगा, नॉन पोलर, क्या क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ये लोग के बीच में चार्ज सेपरेशन आया, कुछ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं आया, याद रहेगा।
पूरा सी के पास आते हैं। वही तो बनाया ना, इसीलिए तो बोले कैंसिल कर दिया ना एक दूसरे को, नहीं समझा? अरे ये लोग ऐसे बनाता है, तुम्हें बनाना ऐसे देखो। आफ्टर हम क्या बोले, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो खींच लिया ना, बट देखो खींच के ये इधर से ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, सब एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कोई चार्ज सेपरेशन आ पाया? नहीं आ पाया। नहीं समझ आया? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों को खींचेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे ऐसे करके, हाँ समझ लो अच्छा से, यहाँ पे मानो है, यहां से भी खींचा, यहां से भी खींचा। अब यहां से खींचा तो ये इसको रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल्सन करता है ना। तो जब ये खींचा खींचा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर दिया, मतलब एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या बेसिक तुम समझ सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल, ऐसे काटो या ऐसे काटो, समझा छापू? इसमें कितना बॉन्ड बन रहा है, चार बॉन्ड, फोर सिंगल बॉन्ड्स। और देखो बॉन्ड, बॉन्ड को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, पता है ना, शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको सिंगल, फोर सिंगल बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फोर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयर मतलब ही क्या, दो, अरे पेयर मतलब दो होता है ना भाई, पेयर मतलब दो होता है, जूता का पेयर मतलब क्या हुआ, दो जूता बन के एक सेट बना। चलो जल्दी से छाप जा जाएगा। ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर ना, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, देखो चुप रहो। अब हम लोग बनाएंगे CCl4, क्या होता है, कार्बन चार क्लोरीन तो टेट्रा क्लोराइड। देखना कार्बन का क्या होता है, चार होता है आउटर मोस्ट में, सिक्स होता है ना वैलेंसी, तो 2.4, ठीक है, बाहर में कितना है, चार। क्लोरीन का होता है बाहर में 2.8.7, 17 होता है जेड, तो बाहर में कितना है, 7, ठीक है, बनाते हैं। कार्बन आया 1, 2, 3, 4, क्लोरीन आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और क्लोरीन आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बनाते चलो खुद से। देखो ऐसे बना लिया, दूसरा कलर से बना देते हैं, और क्लोरीन वाई कार, ठीक है, क्या बन गया, CCl4। अब फिर से देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल, कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, मतलब देखो फिर से, अब देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितना पावर से खींच रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, ये दो, तो देखो इधर ई क्लोरीन इतना पावर से खींचा, ये क्लोरीन इतना पावर से खींचा, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, ये क्लोरीन यहां खींचा, ये भी क्लोरीन यहां खींचा, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो वापस क्या हो गया, ये कैसा एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर। तो हम लोग को याद रखना होगा नॉन पोलर का, अगर किसी को कंसेप्ट याद रखना है नॉन पोलर का, पहला अगर सेम एटम का बीच में बना, हम क्या बोले, सेम या तो सेम या डिफरेंट हो, तो क्या याद रखना होगा, सिमेट्रिकल हो, क्या हो, सिमेट्री हो, या तुम कैसे याद कर सकता है, सारा एट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, सारा एट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लिख दे रहे, ए एट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, नॉन पोलर बन जाएगा, तुम समझा, और इसको छोड़ के कुछ भी हुआ तो क्या बन जाएगा, पोलर। अभी हम लोग पोलर देखने वाले हैं, हो गया, तो समझ आ रहा है, तो देखो एक बार रीड कर देते हैं, तुमको समझ आएगा। द बॉन्ड बिटवीन डिससिमिलर एटम्स कैन बी नॉन पोलर इफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लिटिल, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत लिटिल हो, जैसे या तो जीरो हो, ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर परमिट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट इक्वली लिंक्ड एटम्स एंड दस द मॉलिक्यूल बिकम सिमेट्रिकल। वही तो बोल रहे हैं, इस तरीके से फोर्स लगा के खींच रहा है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, या तुम ऐसा समझ लो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिमेट्रिकल, बस
फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रहेगा? हाँ, जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन और हाइड्रोजन में तुम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये तो मिटा दिए जो यहां पे था ना, देखो एक बार बना दे रहे, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो उतना दम से वैसे भी तो कार्बन खींच पाएगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का क्या है सेम है, और थोड़ा मोड़ा भी जो खींचेगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। और इसमें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो ये पूरा खींचेगा अपना तरफ, बहुत कस के खींचा दोनों चारों, बट ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो तुम सीधा ट्रिक बोलो या जो बोलो तुम सीधा लॉजिक याद रख सकते हो, सिमेट्री होना चाहिए, काम हो जाएगा। छाप लो जल्दी, छाप लिया तो लॉजिक समझ गया है? यस। हाँ, अब मिटा देते हैं। नॉन पोलर समझ आ गया, नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और लिख दे रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का बीच का क्या होना चाहिए, जीरो हो सकता है जब नॉन मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम, मानो 2.5 माइनस 2.5 कर दिए कितना आ गया जीरो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होना चाहिए वेरी लेस, जैसे अभी हम लोग देखे कार्बन और हाइड्रोजन का 2.5 और 2.1 था, डिफरेंस कितना आ रहा है 0.4 का आ रहा है ना, तो बहुत कम है ना आगे बराबर है, समझे? हम लोग क्या देखे नॉन पोलर के लिए सेम सेम एटम के बीच में बन जाता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो तो बन जाता है, बट पोलर में याद रखना होगा पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बन जाए, इतना नहीं होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बन जाए, इतना होना चाहिए कि पोलर बॉन्ड बन जाए, पोलर, इसको क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये आप समझ रहा? हाँ, तो वही तो ऊपर नीचे का क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया ना, वही तो समझा रहे तब से, खींचा फिर भी कैंसिल हो गया, नहीं समझ आया? देखो रुको, तो हम लोग पोलर अब समझते हैं, पोलर में क्या बोल रहे हैं, जैसे एक ठोस बनाते स्ट्रक्चर तभी समझ आएगा, जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाते हैं, हाइड्रोजन एक दिया क्लोरीन, देखना अब आएगा मजा, तो ये देखो ये कुछ ऐसे बनाया और ये कुछ ऐसे बनाया, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, बाद में क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन का, अब क्या करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ये कुछ थोड़ी देर बाद ऐसा दिखने लगेगा, देखना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, ऐसे बनाई दे रहे, मतलब तुम समझ सकते हैं क्या हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, अब मेरा बात सुनो, अगर H से एक इलेक्ट्रॉन सही में चल जाता, जैसे H के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रहता है सही में चल जाता, बेचारा H क्या हो जाता, एच के माथे में प्लस चल जाता और उसके पास कुछ नहीं बचता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अगर स्ट्रक्चर से समझना ज्यादा, देखो अगर अच्छे से सिखा रहे, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक प्रोटॉन अंदर एक न्यूट्रॉन अंदर और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है ना, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या होता है 2.1, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या बच जाएगा बोलो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, खत्म नहीं हो जाएगा, बस इसका पास कोई अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ऐसा मत सोचो बेचारा खत्म हो गया, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ना, समझा? तो ये इसके साथ, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl- बन जाता है, तो क्या तुम लोगों को पता है क्लोरीन का बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्या होता है एक दो तीन चार पांच छह सात, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा Cl का एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस वन चार्ज, तो इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लिया, हम क्या बोल रहे हैं पूरा, मतलब हम तुमको दिया है रुपया वो पूरा ले लिया, ये नहीं बोल रहा लेंगे भाई लेंगे लेंगे बाद में लेंगे, ये नहीं, पूरा उठा के ले लिया, बट इधर क्या हो रहा है देखो, तुम ऐसा सोच सकता है ये वही वाला, ये मानो दो जन बिजनेस किया, ये 9 लाख रुपया दिया ये 1 लाख रुपया दिया, तो इसका पावर क्या है ज्यादा है, तो ये कभी भी भाग सकता है, ये कभी भी भाग सकता है, तुम समझ रहे है? तो ये बेचारा ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींच के रख चुका है, तो क्या ये लेके भाग गया अभी, नहीं अभी भी है, तो जब लेके भाग जाता तो इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट वन चार्ज आ जाता, क्या आ जाता पूरा चार्ज आ जाता, बट अभी तक भागा नहीं है, तो क्या आ जाएगा स्मॉल नेगेटिव चार्ज, क्या
डेल्टा, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम इसके पास रह रहा है और बेचारा इसके पास नहीं रह रहा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस चार्ज। बट अगर एकदम चल जाएगा, मानो ये भाग गया, ये इसको लेके भाग गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कितना हो चुका है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इसके पास जो एक था लेके भाग गया, समझा ना। तो अभी क्या है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, तो इसी को बोलते हैं पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पोल्स बन गया, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो इसमें क्या हो गया, पोल्स बन गया, क्या बन गया, पोल्स, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नींद आ रहा, सो जाओ, छाप लो इसको। तो इसमें क्या बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, इतना होना चाहिए कि शेयरिंग हो, क्या बोले, क्या होना चाहिए, शेयरिंग अलाउड होना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, आयोनिक बॉन्ड नहीं, समझा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इतना होगा कि शेयरिंग हो जाए। चलो जल्दी देखो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दोनों होता है, जैसे एक एक्स और वाई है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, ऐसा मॉलिक्यूल को डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाइपोल, डाई मतलब दो, दो अलग अलग पोल, डाइपोल मॉलिक्यूल। तो HCl कैसा मॉलिक्यूल है, डाइपोल, और देखो बाद में फिजिक्स में सिलेबस में है नहीं अभी, समझा दे रहे, डाइपोल में ना एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कहां लगता है, प्लस से नेगेटिव के तरफ, प्लस से माइनस के तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखने का जरूरत नहीं, हम बस समझा दिए, डाइपोल में प्लस से माइनस की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, समझ गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को मिटा रहे हैं। चलो आगे बढ़े, एक और बनाते हैं हम लोग, अब वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2O, देखो O, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ ऐसे बना दे रहे, एक एच आया, एक एच आया, ठीक है, तो देखो ये ऐसे ऐसे बना लिया, हम बता रहे क्यों, ये कैसे आया, और ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ठीक है, तो दिख रहा है क्या बन गया, ओ, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अपना पड़ा हुआ है, एच और एच। अब ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से, ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने, मतलब कैसे खींचेगा, देखो यहां बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओ एक दो, एक दो तीन चार, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा, देखो इस तरीके से अपने तरफ खींच लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन इशारा, हाइड्रोजन इधर है, समझ आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लिया, खींच लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब दो लिख सकता है, बट दो लिखना अच्छा, देखो बस नेगेटिव चार्ज आया ना, टू डेल्टा नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, दो दोनों से खींचा ना, डेल्टा नेगेटिव भी लिख देगा, काम हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा प्लस, इसके ऊपर भी क्या आ गया, डेल्टा प्लस, दोनों का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, इस तरीके से खींच लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। देखो इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर बना। अब तुम बोल रहे आप ऐसे क्यों नहीं बनाए, आप वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं बनाए, देखो होता क्या है ना, ये समझने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में वाटर कैसा दिखता है, ऐसा क्यों, समझा दे रहे, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो तुमको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये लोग एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है, क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इन दोनों को भी, देखो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, हाँ, रिपल्सन के वजह से ये लोग का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है, ऐसा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस लिख लो, अगर ऐसे ऐसे बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये तो एक दो तीन चार, यहाँ पे एक, ये यहाँ पे एक, ये ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, पर एक्चुअल में रिपल्सन के वजह से ये ऐसे बेंड हो जाता है। अबे सेम चीज है,
ऐसे मुड़ गया है, तो तुम ऐसे ही बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो समझ आ गया, ये क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल। इस ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर, डेल्टा नेगेटिव ओ के ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, ठीक है, लिख लिया मिटा रहे, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, मिटा दे। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बार यहां बनाते हैं, हाँ बना दे रहे, रुको देखो बता दे रहे, रुको ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्या है पड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है ये लोग नहीं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है इसको बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये भी एक लोन पेयर, लोन मतलब अकेला, ठीक है, ऐसा समझ सकता है। तो एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर है ना, पेयर है, समझा। तो लोन पेयर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल में रहता है बट कोई बॉन्ड नहीं बनाता, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है बट कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे ही पड़ा है, देखो ये वाला और ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर पूछ लिया कितना लोन पेयर है, क्या बोलेंगे, 2 लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल में। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग बनाएंगे NH3। तो देखो N का कितना होता है 7, 2.5, H का हम लोग को पता है कितना होता है 1। तो देखो फिर से बनाते हैं, 1, 2, 1, 1, 1, हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, सबका 2-2, ये लोग का 2-2 हो गया और नाइट्रोजन का 8 हो गया, ऐसा बन गया। देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, थोड़ा बेंड रहता है, NH3, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, इसको हम ऐसे गुब्बारा जैसा बना रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, एमोनिया का मॉलिक्यूल। अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन अच्छा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके अपने तरफ खींच लिया, समझा, मतलब इस तरीके से दोनों एक्स अपने तरफ खींच लिया, देख लो, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। अब 3 डेल्टा नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेल्टा नेगेटिव लिख दिए, समझ आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस, ठीक है, एरो ऐसे मत बनाओ, एरो सिर्फ ऐसे दिखा दो, डेल्टा माइनस। तो ये भी कैसा कंपाउंड है, पोलर, ये क्या है, अमोनिया है,